आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं उसी बीच इस संसार के 20 ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, उसमें से कुछ महीनों से लावा उकल रहे हैं। सोचिए आप खिड़की से बाहर देखें और बाहर आपको ज्वालामुखी फटता दिखाई दे तो आप जल्दी से उस ज्वालामुखी से जितना दूर हो सके उतना दूर भागेंगे, पर एक दिन आपके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। साइंटिस्ट के डेटा के अनुसार इस पृथ्वी में 1532 ज्वालामुखी है और इंसानों के अस्तित्व की शुरुआत से लेकर आज तक सिर्फ 600 ज्वालामुखी ही फटे हैं। इसमें से 160 ज्वालामुखी हर 10 साल में बार बार फटते हैं और 50 ज्वालामुखी हर साल फटते हैं। थैंकफुली रेगुलर फटने वाले ज्वालामुखी काफी छोटे होते हैं, इस कारण डैमेज ज्यादा नहीं होता, पर धरती पर जितने भी बड़े ज्वालामुखी हैं अगर वो अपने फुल पावर के साथ फटे तो पूरी धरती प्रॉब्लम में आ जाएगी। इंडोनेशिया में इसी तरह का एक विशाल ज्वालामुखी है, इसका नाम माउंट मेरापी है जिसका मतलब फायर माउंटेन होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 किलोमीटर है। वैसे तो ये हाल फिलहाल में तो नहीं फट रहा, पर हर दिन इसके अंदर से धुआं निकलते रहता है, पर जब यह कुछ वर्षों के अंतराल में फटता है तो उस समय यह आसपास की सिटीज को तबाह कर देता है। पर पृथ्वी की दूसरी तरफ अमेरिका में सबसे खतरनाक वॉल्केनो है जिसका नाम येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो है। यह वॉल्केनो अपने पूरे जीवन काल में 3 बार ही फटा है और आखिरी बार यह 6,30,000 साल पहले फटा था, और जब यह फटा था तो इसने पूरे अमेरिका को तबाह कर दिया था। पर समय के साथ साथ इस वॉल्केनो की चोटी ढह गई और इसने एक क्रेटर का रूप ले लिया जो कि लगभग 50 से 70 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। यह एरिया बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर नेशनल पार्क बना दिया है और अब यह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। अगर यह आज ही फट जाता है तो अमेरिका का बचना नामुमकिन है। आधा अमेरिका लावा में बह जाएगा और आधा ज्वालामुखी से निकले हुए राख में। जस्ट इमेजिन कि धरती के सारे वॉल्केनो एक साथ एक्टिव हो जाए और फट जाए तो। अगर एक साथ सारे ज्वालामुखी फटते हैं तो इस धरती पर मंजर इतना खतरनाक होगा कि धरती के सारे परमाणु बम भी एक साथ फटे तो वह ज्वालामुखी के कंपैरिजन में कुछ नहीं होंगे। लावा से तो डैमेज हो कहीं, पर साथ में मेन डैमेज करेंगे उस ज्वालामुखी के राख और उस ज्वालामुखी से निकले वॉल्केनिक गैसेस। हमारे सिनेरियो में ज्वालामुखी के राख धरती के एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, चारों तरफ से सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि सूर्य की रोशनी इन राख को पार नहीं कर पाएगी और चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। यह अंधेरापन लगभग 10 वर्ष तक रहेगा। सूर्य की रोशनी धरती तक न पहुंच पाने के कारण पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सूर्य की रोशनी मेन सामग्री है, पर हमारे पास बादल को डिस्पर्स करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे हम राख के बादलों को कुछ कुछ जगह से हटा सकते हैं जिससे कुछ कुछ एरिया में सनलाइट पहुंच पाएगी। ये तो कुछ भी नहीं, ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस यानी कि वॉल्केनिक गैस तो अपने साथ मौत को लेकर आएंगे। इन गैसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और जब ये पानी के बादल के साथ मिलेंगे तो फिर होगा एसिड रेन जो सारे समुद्र, नदी, तालाब, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वाटर को भी दूषित कर देगा। समुद्र के सारे जीव मारे जाएंगे, सारा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। साइंटिस्ट के रिसर्च में यह भी सामने आया है कि डायनासोर्स का विनाश करने में जितना हाथ उल्कापिंड का नहीं था उससे ज्यादा भारत में उस समय मौजूद ज्वालामुखी का था। इसके बारे में मैं आपके लिए पूरा वीडियो बना दूंगा। 1991 में फिलीपींस का माउंट पिनाटुबो नाम का ज्वालामुखी फट गया था। यह पिछली सदी का सबसे भयानक एक्सप्लोजन था। इस कारण वहां का तापमान अचानक से 0.6 डिग्री सेल्सियस हो गया था और इसी एक्सप्लोजन ने एंटार्क्टिका में हुए ओजोन होल का साइज बढ़ा दिया था। पर ये तो कुछ नहीं, धरती के 80% ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फटते हैं, हजारों फीट नीचे। जियोफिजिसिस्ट के अनुसार पैसिफिक ओशन के नीचे एक हद से ज्यादा खतरनाक ज्वालामुखी है। अगर ये ज्वालामुखी फट जाता है तो सातों महादेशों को अपने अंतिम क्षण गिनने पड़ेंगे। ये पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी पैसिफिक ओशन के अंदर 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, पर यह वॉल्केनो पिछले 14 करोड़ वर्ष से नहीं फटा और अगले करोड़ों वर्ष में भी यह नहीं फटने वाला। सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा वॉल्केनो तो पृथ्वी पर है, पर हाइट के हिसाब से सबसे ऊंचा वॉल्केनो मार्स पर है जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मार्स रोवर के डेटा से यह पता चला कि यह ज्वालामुखी 20 करोड़ वर्ष पहले फटा था, पर इसके ऊपर जो पहाड़ बना है वह सिर्फ
20 लाख वर्ष पुराना है। हम जानते कि हमारी धरती गोल है, पर हमें कहीं से भी नहीं पता चलता कि धरती गोल है। हम जब रोड्स पर चलते हैं तब भी हमें धरती सीधी ही लगती है, इवन प्लेन से भी हमें धरती कर्व्ड नहीं लगता। पर ओलंपस मॉन्स की चोटी पर खड़े होने के बाद आपको मार्स की सरफेस कर्व्ड होती दिखेगी। तो एक दिन तो हम इंसान ओलंपस मॉन्स की चोटी पर जरूर चढ़ेंगे, क्योंकि इस ज्वालामुखी का जीवन अब खत्म हो चुका और ये ज्वालामुखी अब कभी नहीं फटने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें।